बहुत बहुत धन्यवाद जिनका इंतजार था वह कभी समाप्त हो चुकी है। मैं इस मंच से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ साथियों। और अध्यक्ष महोदय के साथ में हमारे प्रदेश के सम्मानित नेता आए हैं। मैं इस भोजपुर की धरती पर, इस भोजपुर की पवित्र धरती पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ साथियों। दुख की बात है कि जान की नौबत से और अध्यक्ष आज इस नागरी प्रचारणी आरा के सभागार में भोजपुर टेलिक्स सम्मेलन हुआ है, का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष रणविजय साहू जी और महिला प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष माधुरी गुप्ता जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। मैं अपने और अपने समाज के पूरे भोजपुर के तरफ से, भोजपुर के अपने सारे समाज के तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष रणविजय साहू को करना चाहूँगा, जो कि वो अपना कीमती टाइम देकर इस नागरी प्रचारणी को एक नागरी प्रचारणी के सभाकार से एक संदेश देने का काम किए हैं कि तेली एकता भोजपुर में कायम है। मैं सबसे पहले मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि अपना इस मूलभूत कीमती टाइम को मुझे दिए, जो कि हमारे और हमारे समाज के लिए कीमती माना जाएगा। तो मैं आपको भी अपने और अपने समाज के तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि पटना में मिलर हाई स्कूल जो है उसको 2 दिसंबर को हम लोग ऐतिहासिक बनाने जा रहे हैं। पटना मिलर हाई स्कूल को 2 दिसंबर 2018 को हम लोग ऐतिहासिक बनाने जा रहे हैं। उसी की तैयारी के लिए, रणनीति के लिए ये आज नागरी प्रचारणी में कार्यक्रम को रखा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि 2 दिसंबर का रैली जो तेली समाज का है वो किस तरीके से सफल हो, इसी विषय वस्तु के लिए रखा गया है। तो मैं इस आपके माध्यम से जितने भी हमारे समाज के लोग सुन रहे हैं, तो मैं आग्रह करूँगा, विनती करूँगा कि 2 दिसंबर को अपना टाइम निकालकर अपने समाज को दीजिए, ताकि भविष्य में आपकी सारी कठिनाई और परेशानियाँ दूर हो जाए। मैं मंजी कुमार शाह, सोहरा पंचायत मुखिया पुत्र, बढ़हरा प्रखंड। धन्यवाद।